दोस्तों आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें चोर अपने परफेक्ट प्लान से ऐसी चोरियां करता है जो बेहद ही मुश्किल और खतरनाक होती हैं। ये देख हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है, पर असल जिंदगी में भी कुछ ऐसी चोरियां हो चुकी हैं जो बहुत ही शातिर और साहसी थी। आज दोस्तों हम आपको ऐसे ही 5 शातिर चोरियों के बारे में बतलाएंगे। उससे पहले आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। लेट्स बिगिन। पहले नंबर पर है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 1963 में अंजाम दिए गए इस रॉबरी को द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। चोरों की 15 जनों की एक गैंग ने काफी होशियारी से इस काम को अंजाम दिया। इन्होंने पैसों से भरे एक ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन रुकते ही चोरों ने पूरी ट्रेन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ट्रेन पर मौजूद तकरीबन 200 करोड़ रुपए चुरा लिए और वहां से 9-2-11 हो गए। चोर एक दूसरे को नंबर से पुकारते थे, इसलिए उनका नाम किसी को नहीं मालूम था। पर अगले कुछ ही सालों में ट्रेन में मिले फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उन चोरों को पकड़ लिया गया, पर उनके पास अब वो चुराए पैसे नहीं थे। दूसरे नंबर पर है बैंको सेंट्रल रॉबरी। ये बैंक चोरी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में शुमार है। चोरों ने बैंक के करीब ही एक जमीन खरीद ली और उस जमीन पर खुदाई शुरू कर ली। लोगों को शक ना हो इसलिए उन्होंने वहां एक बोर्ड लगा दिया कि यहां हमारे कंपनी का काम चल रहा है और जो घास और पेड़ पौधों का उत्पाद करके उन्हें बेचने का काम करती है। सोमवार की एक सुबह जब बैंक खोला गया तब जाके कर्मचारियों को पता चला कि बैंक के सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। चोरों ने जमीन के 78 मीटर दूरी की टनल बनाकर बैंक के अंदर घुस गए थे और सारा पैसा चुरा कर लेके चले गए। ये टनल उसी जमीन तक जाती थी जिस जगह चोरों ने खुदाई शुरू की थी। चोरों का प्लान इतना सटीक था कि उनको ये तक पता था कि अलार्म और सेंसर्स कैसे बंद किए जाते हैं। इनके पास एक पूरी टेक्निकल टीम थी जिनको GPS और बाकी टेक्निकल चीजों का बेहतरीन ज्ञान था और इसी के दम पर उन्होंने 70 मिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि 450 करोड़ रुपए चुरा लिए। अगले कुछ सालों में उनको अरेस्ट कर लिया गया, पर उन पैसों में से सिर्फ कुछ ही पैसे पुलिस के हाथ लगे। तीसरे नंबर पर है नॉर्थर्न बैंक रॉबरी। 2004 में उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट शहर स्थित एक बैंक से 320 करोड़ रुपए चोरी किए गए। चोरी के एक रात पहले दो चोर बैंक कर्मचारियों के घर चले गए और हथियार के दम पर चोरों ने उनकी फैमिली को बंधक बना लिया और उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि अगर आपने वैसा ही किया जैसा हम चाहते हैं तो हम आपके परिवार को छोड़ देंगे। दूसरे दिन उन कर्मचारियों को बैंक में देर तक रुकने का आदेश उन चोरों द्वारा दे दिया गया और शाम को उनके कुछ साथियों ने उस बैंक में प्रवेश कर लिया और बैंक में मौजूद 320 करोड़ रुपए चुरा लिए। पर 2004 में हुई इस चोरी को अब तक सुलझाया नहीं गया है। चौथे नंबर पर है हैरी विस्टन रॉबरी। इस रॉबरी को हैरी विस्टन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। 2007 में पेरिस के एक ज्वेलरी शॉप में चार लोग चोरी के इरादे से घुस गए, जिनमें से तीन महिलाओं के भेष में थे और जिनके पास हथियार भी था। उन्होंने इसी हथियार का डर लोगों को दिखाया और उन्हें शॉप के एक साइड जाने का इशारा किया और उन्हीं में से एक चोर ने जवाहरात और ज्वेलरी से भरा एक शोकेस तोड़ दिया और सारा माल लेके वहां से भाग गए, जिनकी कीमत तकरीबन 650 करोड़ रुपए होती थी। घटना के 4 साल बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, पर इनके पास सिर्फ 150 करोड़ रुपए की ही ज्वेलरी बरामद की जा सकी। पांचवें नंबर पर है पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी। मई 2010 में पेरिस म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, इस म्यूजियम में दुर्लभ पेंटिंग जो कि पिकासो और मैटिस जैसे कलाकारों ने बनाई थी, जिनकी कीमत 100 मिलियन यूरोस यानी कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए की थी, वो चोरी हो गई। चोर खिड़की की कांच तोड़ के अंदर चले गए थे और ये महंगी पेंटिंग्स चुरा ली। चोरी का पता तो तब चला जब अगले दिन म्यूजियम खोला गया। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी महंगी पेंटिंग्स रखे गए इस म्यूजियम में जो अलार्म था वो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। इसी वजह से चोर को चोरी करने में आसानी हो गई और इन चोरों का भी अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। और दोस्तों ये वीडियो देखकर अगर आप कहीं चोरी करने का प्लान कर रहे हैं तो ना करें, वरना अगले दिन न्यूज़पेपर में आपका फोटो कुछ इस तरह आ सकता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। आप इन चोरों के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।